हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइव स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ 10th एन एस वाले बच्चों के लिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 214-14, उसका सॉल्व TMA सेशन 2021 वाले बच्चों के लिए। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके TMA की, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो हिंदी मीडियम का TMA मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है, काफ़ी टाइम पहले किया था। सो तभी से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश मीडियम भी करवा दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम यू नो इंग्लिश में भी काफ़ी बच्चों के पास होता है बनाने के लिए, तो उनको भी दिक्कत होती है। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 10th क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जितने हम लोग कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स TMA पहले ही सॉल्व करके हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। बाकी इसके अलावा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, SST, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पेंटिंग। ज्योग्राफी तो खैर 12th में होता है, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सीरियल वाइज आपके सारे के सारे लगे हुए हैं सॉल्व TMA के वो वीडियोस की लिंक, तो आप देख लेना, वहाँ पर सारे के सारे आपके तैयार हो जाएंगे। 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, हर एक वीडियो में 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर ही आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हिंदी मीडियम है, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, तो हिंदी मीडियम का पहले ही अपलोडेड है, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। गाइज, आपको पता है टोटल 6 क्वेश्चन के आंसर आपको हर TMA फाइल के अंदर लिखने को होते हैं, और उन 6 क्वेश्चनों में आपको 2 ऑप्शन आते हैं देखने को, ए और बी करके। आपको हर क्वेश्चन के अंदर या तो ए सिलेक्ट करना होता है या फिर बी सिलेक्ट करना होता है, और उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना आपके कोई सा भी सब्जेक्ट का, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद जो आपके 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज़ योर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, दीज आर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड लास्ट जो क्वेश्चन होता है 6 नंबर का क्वेश्चन, वो होता है प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा और लॉन्ग होके जाता है, मतलब थोड़ा सा और उसका आंसर लॉन्ग होता है। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर दिखा देती हूँ। पहले क्वेश्चन में गाइस यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी को, बी का क्वेश्चन पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर आपका आता है आंसर। यहाँ पर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक यू नो डिफरेंस बताना है, तो देख लो हेडिंग भी डाली हुई है इकोनॉमिक, और इसका एग्जांपल देकर के पूछा है, क्योंकि तो इकोनॉमिक के बारे में आप इतना लिखेंगे। सो गाइस, उसके बाद आता है आपका नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक को आप देख सकते हो, पहले इकोनॉमिक एग्जांपल के साथ लिखा, फिर उसके बाद आप लिखो कि नॉन इकोनॉमिक जिसका भी आपको एग्जांपल देना है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यहाँ पर आपका होता है फिनिश, दिखा देती हूँ एक बार और। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे, फिर इकोनॉमिक हेडिंग डालोगे, इसका एग्जाम्पल दोगे, देन नॉन इकोनॉमिक डालोगे और उसका एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। चलिए गाइस, अगर मैं आपको बता दूँ, देखो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल चाहिए, मतलब PDF फॉर्मेट में पूरा जो है आपको TMA चाहिए, या फिर इसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसका यू नो PDF फॉर्मेट में आपको फाइल चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7303838500। इस नंबर पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा देंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा इसके आपको 30 रुपीज़ पर सब्जेक्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए पूरी। इसके अलावा अगर आप वीडियोस के थ्रू बनाना चाहें, तो वीडियोस तो आप हैं आपके लिए फ्री, आपको आराम से बनाइए, ठीक है। PDF कोई से भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखा देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ना बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जिसका पहले आप क्वेश्चन लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, फिर जो है इसमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में है, फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, दो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सो गाइस, पहले आप लिखेंगे लेबर यू नो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में, हेडिंग दी हुई है, उसके बाद आप लिखेंगे इसमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बारे में, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, चलिए ये बेसिकली आपका आंसर इतना ही है यहाँ से लेके और जो आपका यहाँ तक। गाइस, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ, जो अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा। सो इसके अंदर पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमिक, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे इकोनॉमी, और पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख देंगे, ह्यूमन बॉन्ड्स, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया है आपका। अब मैं, हाँ जी, 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका इतना ही है जितना इस टाइम आपको स्क्रीन पर हो रहा है शो, कीप स्टडी इन बाई स्टडी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइस, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं PDF के लिए। देखिए फिर से मैं आपको नंबर यहाँ रिमाइंड करा दूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ से आपका बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से लिखे यहाँ तक, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हेडिंग डाल के अगर अच्छे से आप लिखेंगे ना, तो और बढ़िया नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए हम सॉल्व करके लाते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि नंबर आपको बढ़िया से बढ़िया मिले। चलिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा, उसके बाद आपने इसका एग्जाम्पल दिया यहाँ से यहाँ तक, देख सकते हैं आप। गाइस, उसके बाद आप लिखेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, लिखते चले जाएंगे, देख सकते हो आप हेडिंग डली हुई है इसकी।
और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे वीडियो कैसी लगी है। और आप इस वीडियो को अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, ये हमारा था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे टोटल, देन इसका आप एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। सो गाइस, आपका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 4 का होता है, फिनिश। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पर हमने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, फिर आप लिखेंगे आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसका ये है, देखिए ये जो आपने आंसर दिया है ना क्वेश्चन नंबर 5 का, ये आप कुछ पॉइंट्स के तौर पर देंगे, मतलब कुछ पॉइंट्स के थ्रू देंगे। पहला पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट है, और एज ए हेडिंग आप यहाँ से यहाँ तक इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा है ये, जिसमें हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपको शो कर देती हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आपको शो कर दिया है, अब बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो कि होता है आपका प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर वाला क्वेश्चन, छठे नंबर का क्वेश्चन। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, उस पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको जो है चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाननी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, ग्रामर का पोर्शन करना है, तो सारी चीज़ें लर्न इंग्लिश चैनल पर चल रही हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा बाकी आपको अदर सब्जेक्ट्स तैयार करने लाइक हिंदी, इंग्लिश, SST, सोशल साइंस, पेंटिंग, होम साइंस, डाटा एंट्री, तो ये तो सभी सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे इस चैनल पर चल ही रहे हैं, फाइव स्टडी सर्कल पर, जहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को विजिट कर लीजिएगा, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपको सिलेबस से रिगार्डिंग किसी भी सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देती हूँ, यहाँ पर ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ कंज्यूमर गुड्स डिफर फ्रॉम प्रोड्यूसर गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज, ठीक है। सो कंज्यूमर गुड्स के बारे में बताना है, एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने लिख दिया। इसके बाद आप बताएंगे प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, सो उसके बाद जब आप बताएंगे प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में, तो इसके बारे में आप इतना लिखेंगे, फिर आप इसका भी एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। टू बी कंटिन्यू, अभी है आपका आगे, मतलब ये लिखना नहीं है, नीचे है आपका आंसर इसका। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें, और व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल क्योंकि आपसे पूछा था, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आप ये बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, और उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। सो गाइज, मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है छठे क्वेश्चन का आंसर भी, पूरा तरीके से लिखा हुआ, जितना यहाँ पर मांगा है उतना ही हमने दिया है। बेस्ट ऑफ लक आपके TMA के लिए, आपके जो है एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए। गाइज, अगर आपको NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का नाम है NIS इन्फॉर्मेशन। सो NIS इन्फॉर्मेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, NIS बोर्ड को लेकर आपके दिमाग में जो भी डाउट रहते हैं, जो भी सवाल रहते हैं, उस प्लेलिस्ट पर जाइए, चेक करिए, हर एक टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर अपलोडेड मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपके पास जो है हिंदी, इंग्लिश, SST, ज्योग्राफी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी तैयारी बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, देख लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी, चैप्टर वाइज सारे सारे सिलेबस सब्जेक्ट्स की। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।